विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। आज मैं भौम जगत पिता महादेव का पुत्र उनसे भेंट करके ही रहूंगा। अरे वाह, इतने सारे मिष्ठान। पुत्र गणेश, संकोच मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें तुम्हारी उपहार खोलने की अनुमति है पुत्र। माँ, उपहार तो मैं कभी भी देख सकता हूँ, किंतु मेरा सर्वाधिक आकर्षण तो उन सभी मिष्ठानों में है। उन्हें ग्रहण कर सकता हूँ ना माँ? अवश्य पुत्र। अरे अरे देवी पार्वती, आप तो अपने पुत्र का मोदक खिला चुकी हैं। हाँ देवी पार्वती, अब हमें भी अवसर दीजिए, हम भी पुत्र गणेश को ये मिष्ठान खिलाना चाहते हैं, जो हम उसके लिए अपने हाथों से बनाकर लेके आए हैं। अवश्य। देवी सरस्वती, सर्वप्रथम आप ही खिला दीजिए। नहीं देवी लक्ष्मी, सर्वप्रथम आप खिलाइए। नहीं नहीं देवी सरस्वती, पहले आप। नहीं देवी, आप खिलाइए। नहीं देवी सरस्वती, पहले आप। गणेश को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाने का आनंद तो मैं भी प्राप्त करना चाहती हूँ। ओहो, बुआ जी और मामी जी तो एक दूसरे को ही आगे बढ़ने को कह रही हैं, किंतु दोनों में से ये कोई भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब ये मिष्ठान मेरे मुख में प्रवेश करने में एक पल की भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। पुनः वैसा ही योग प्रस्तुत होने जा रहा है जिस योग में प्रथम पूज्य गणेश जी का शीश धड़ से विलग हुआ था। कुछ भी हो, मुझे अभी माता पार्वती को बताना ही होगा। परिस्थिति विकट हो, उसके पूर्व ही संकट का निवारण उचित है। मैं धर्मराज हूँ, भय अथवा किसी अन्य भाव के कारण अपने दायित्व को निभाने से पीछे नहीं हट सकता मैं। इसलिए मुझे जो ज्ञात है वो मुझे माता पार्वती को बता देना चाहिए। पहले आप खिलाइए। नहीं नहीं देवी सरस्वती, आप खिलाइए। पहले आप। माता, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को समझाइए ना कि वो शीघ्र निर्णय लें, क्योंकि मैं भी गणेश जी को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाने के लिए ललायित हूँ। मुझे भी अवसर प्राप्त होना चाहिए। अवश्य देवी शची। तो ये है मेरे पिता महादेव का निवास, कैलाश का प्रवेश द्वार। पुत्र गणेश, देवी शची कितने स्नेह से तुम्हें अपने हाथों से मिष्ठान खिलाना चाहती हैं, और तुम उन्हें उसका अवसर ही नहीं दे रहे हो। और तुमने देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के थाल से भी मिष्ठान समाप्त कर दिए। मुझे क्षमा कीजिए, मैं स्वयं को रोक नहीं सका माता। अब मुझे अपने हाथों से मिष्ठान खिलाइए माता। प्रतीत होता है गणेश का ध्यान पूर्ण रूप से भोजन पर ही है, और उसकी इस एकाग्रता को भंग करने का कोई उपाय नहीं।
गणेश जी भोजन में व्यस्त है, ये अच्छा अवसर है। माता पार्वती को सावधान करने का उत्तम अवसर है ये। माता, भैया तो ढोल का स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। भैया आप ढोल बजाइए और मैं डमरू। हे दोनों महादेव पुत्रों की जुगलबंदी तो बड़ी ही आनंददायक होगी। माता, आज मेरे अनुज गणेश का जन्मदिवस है। नंदी जी, मैं तोतला अवत्य हूँ, लेकिन मेरी लवन तत्ती प्रभावित नहीं है। ढोल बज रहे हैं, तुम लाओ तब तुम ले। अरे ढोल बज रहे हैं, ये तो मुझे भी सुनाई दे रहा है, किंतु बाहर से ये पशुओं की चित्कार। पशुओं की चित्कार? हाँ, क्या क्या वो सुनाई दे रही है आपको? हाँ नंदी जी, ध्वनिया तो मुझे भी आ रही है। वो ये ध्वनिया नहीं, बाल से आ रही है। पुतला जी, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि देवताओं के वाहन इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। आइए चलिए। पिता का निवास कैलाश, मेरा भी निवास है। तूतला जी, कौन है ये और ये यहां क्यों आया है? और इससे ये रक्तवर्णी वाष्प क्यों उत्पन्न हो रही है? कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? सुना नहीं क्या तुमने? श्रवण शक्ति क्षीण हो गई है क्या तुम्हारी? कहां जा रहे हो, कुछ ज्ञात भी है तुम्हें? मैं भोम हूं। हाँ तो दामू, क्या चला? ये महादेव के गण है, इतने अहंकारी और असभ्य। शिष्टाचार का तो जैसे इन्हें लेस मात्र ज्ञान ही नहीं है। भोम हो तो हो गए, उससे हमें क्या? नाम के आगे भी कोई परिचय है तुम्हारा? तो दो हमें। मैं भोम, महादेव पुत्र हूँ, उनसे भेंट करने आया हूँ।
महादेव पुत्र भूम। तोतला जी कहां कहां से कैसे कैसे बड़े बड़े भ्रम पाल कर यहाँ पहुंच जाते हैं मूर्ख अज्ञानी, और कहते हैं महादेव पुत्र भूम है। ये क्या कर रहा है गणेश? उसने अपने डमरू के नाद को इतना क्यों बढ़ा दिया? ना मैं मूर्ख हूं ना अज्ञानी, और सत्य तो वही है जो माता ने मुझे बताया, किंतु ये गण धृष्ट और अशिष्ट अवश्य है। कभी कभी दर्पण में मुख देखा है अपना? कहां मेरे प्रभु महादेव, उनके पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी, और कहां तुम? आज के इस उत्सव में क्रोध का कोई स्थान कहाँ है? फिर गणेश अपने डमरू के नाद से क्रोध का प्रदर्शन क्यों कर रहा है? मैं भी महादेव का ही पुत्र हूँ। अरे मूर्ख, हम सभी महादेव के पुत्र हैं, क्योंकि वो तो जगत पिता है। किंतु इस कारण कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। वास्तविकता में उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी। तुम्हारे पिता स्वयं जगत पिता महादेव हैं, जिनके जन्म दिवस का उत्सव यहाँ आज कैलाश में मनाया जा रहा है। उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और गणेश जी, जिनके जन्म दिवस का उत्सव यहाँ आज कैलाश में मनाया जा रहा है। चलो प्रस्थान करो यहां से। महादेव के दर्शन के लिए तो यहां अनेकों भक्त आते हैं, तुम भी आ जाना उत्सव संपन्न होने के पश्चात। अभी वो अपने पुत्र के साथ व्यस्त हैं। तुम दोनों समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? मैं भी महादेव का ही पुत्र हूं, किंतु जो सत्य है वो समझने के लिए कभी ना कभी तुम्हें विवश होना पड़ेगा, और महादेव को भी। यदि अभी उनसे भेंट कर अपना परिचय दे सका तो उचित है, अन्यथा अन्य रूप धारण कर सत्य उनके समक्ष अवश्य आएगा। बात कैलाश जैसे पवित्र स्थान पर असत्य को सत्य कहने की धृष्टता करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुम यहां से जाते हो, अन्यथा मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए विवश करूं। गणेश ऐसे रौद्र रूप में? मेरा यहां किसी से युद्ध करने का प्रयोजन नहीं, किंतु पुत्र का पिता से भेंट करने की इच्छा रखना कोई अपराध तो नहीं? अपितु पिता का पुत्र को अस्वीकार करना अवश्य अनुचित है, और अनुचित का परिणाम कभी उचित नहीं होता।
जा रहा हूं मैं, किंतु पुनः आऊंगा। जाओ जाओ। और हाँ, जब पुनः आओगे तो अपना महत्व बढ़ाने के लिए, सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शिव पुत्र हूं ये मत कहना। ये देव पुतला है। अपने वक्ष से लगाकर उस पर सारा स्नेह नछावर कर बहुत आनंदित हो रहे ना आप महादेव। इतना बड़ा भेदभाव कि एक अन्य पुत्र को पूर्ण रूप से भुला बैठे हैं आप। नहीं, बहुत बड़ा अन्याय है ये, किंतु शीघ्र ही आपको इसका उचित न्याय प्राप्त होगा। अपने इस पुत्र को दुख दिए है ना आपने, जो आपके आनंद का स्रोत है, तो उसका दुख भी देखना और सहना होगा आपको महादेव। जा रहा हूं मैं। पुत्र गणेश, अचानक क्या हो गया था मुझे? ऐसा लगा जैसे किसी प्रबल शक्ति ने वश में कर लिया हो, और वो आगंतुक तो मात्र महादेव से भेंट करना चाहता था, उनके दर्शन करना चाहता था। फिर मैंने इतनी निष्ठुरता का व्यवहार क्यों किया उसके साथ? क्या उसके प्रति हमारा आचरण उचित था? तोतला जी, समझ में नहीं आ रहा है कि अकारण ही मैं इतना उत्तेजित क्यों हो गया। हाँ नंदीदी, मुझे भी तो देता ही प्रति दुआ देते। तिथि ने मुझे अपने पद में तल लिया था, तिन तो अब दो भी हुआ, ओ दिया तो ओ दिया, तलिए तलिए अब बीतल तलिए। पुत्र, पुत्र तुम कुशल तो हो ना? हाँ माँ, ज्ञात नहीं अकस्मात मुझे क्या हो गया था, कदाचित मुझे भूख लगी है इसीलिए ऐसा हुआ होगा माँ। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ, आज पुत्र गणेश का जन्म दिवस है और उसे बहुत भूख लगी है, अभी हमें उसे शांतिपूर्वक भोजन करने देना चाहिए। अब तो सभी देवी देवता प्रस्थान कर रहे हैं, यही उचित अवसर है। उनके प्रस्थान करने के पश्चात मैं माता पार्वती को अवश्य कह दूंगा। नाथ, आपने शांत रहकर माता पार्वती से कुछ ना कहकर उचित ही किया। देखिए ना, माता पार्वती महादेव कितने प्रसन्न हैं। देवगण, आप सभी मुझे अत्यंत प्रिय हैं और मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि आप सभी गणेश के जन्मोत्सव में उपस्थित रहे। इसलिए आप सभी को अनेकों धन्यवाद। यमराज, आपको ज्ञात है कि मुझे सर्वाधिक प्रिय कौन है? जो सर्वाधिक प्रिय देवता हैं और जो मेरे हृदय के सबसे निकट है, वो हैं आप। मैं महादेव? हाँ, कभी कभी जो नैतिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है और जो हमारा दायित्व है, उसमें विरोधाभास होने के कारण एक बड़ा अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है।
किंतु आप मुझे सर्वाधिक प्रिय इसलिए हैं क्योंकि आप तो धर्मराज हैं। आप तो सदैव अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहते हैं। कोई भी द्वंद आपको विचलित नहीं करता। प्रत्येक परिस्थिति में लाभ हानि की चिंता किए बिना जगत कल्याण हेतु अपने धर्म का पालन करते हुए आप मुझसे भी संघर्ष करने पर विवश हुए, किंतु पाप ने अपने धर्म पथ का त्याग नहीं किया। धर्म के प्रति आपकी अटूट निष्ठा के कारण ही आप मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। देव को मुझ पर इतना विश्वास है और मैं मुझे उनके विश्वास का सम्मान करना होगा। अपना धर्म मुझे निभाना ही होगा। यमराज के मुख पर ऐसा भाव क्यों? जैसे उनके भीतर भावनाओं का बवंडर उमड़ रहा, जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं किंतु कह पाने में विवश। विशेष हो या साधारण, हमें अपने द्वार पर आए सभी आगंतुक का सम्मान कर उसके आगमन के उद्देश्य को भली भांति समझना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।